पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया गया। पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया, सत्य कमेटी गठन, अरे किया नहीं किया, देखो अब इस कमेटी में ब्लैंक लेना, पुस्तक एग्जाम में इंडियन रेलवे से किस किस के मध्य राजधानी को जब विवाद हुआ तो कौन सी कमेटी बनाई। अभी तक एक ग्राम में तीन कमेटी बढ़िया बनी, कितनी बढ़िया रहे, एक शंकर देव राय बढ़िया, इसमें मतलब शंकर जो भरतपुर और धौलपुर बार बार यूपी में जाने की बात कर रहा था उसके लिए क्या बनाई, शंकर देव राय कमेटी। और दूसरी बात जो जयपुर में जोधपुर के मध्य विवाद हुआ उसके लिए बी आर पटेल, कौन सा पटेल, बी आर। और जो अजमेर में जयपुर के मध्य विवाद हुआ उसके लिए पी सत्यनारायण राव, बात समझ आ रही। अब देखो इस कमेटी ने जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, इस कमेटी ने जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव, अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, दीदी सुझाव। अब देखो यहां तुम्हारा एकीकरण का जो एकीकरण वाला टॉपिक है वो तो क्या हो जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें और बचती हैं जो अपन को यहाँ पे करनी। देखो आपसे यदि पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन था, बताओ कौन था, अरे कौन सा गोपाल आचार्य आ गए इधर बाहर कहने का, अरे तुम कहीं पुलिस तैयारी कर रहे हो मुझे बताओ, मैंने पॉलिटिकल में समझा दिया, पॉलिटिकल पढ़ा दिया, इधर पढ़ा दिया, कॉमन सी बात है, 10 बार तुमने सुन लिया तब भी केनिंग वेनिंग पता नहीं क्या बोल रहे हो। अरे मुझे एक बात बताओ, भारत का जब विभाजन हुआ तो लार्ड माउंट बेटन योजना आई नहीं आई, 1947 को आई ना, तो लार्ड माउंट बेटन कौन है, उस समय वायसराय, तो लार्ड माउंट बेटन जो है वही उस समय क्या था, अरे बात नहीं था ना। और आपसे पूछे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, अरे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली, अरे कौन सी एटली है, क्लीमेंट एटली है। तो दोनों बात लिख लो, देखो और डाल के बात लिखो, देखो राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है, देखो क्लीमेंट एटली, एटली केटली कैसे याद करना कर रहा, अच्छा केटली और दूसरी कौन सी आती बताओ, बिना चाय के बिना चाय केटली कौन सी आती है, वेरी गुड बहुत आगे जाएगा याद रखना, जैसे ही राजस्थान के एकीकरण चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन है, क्लीमेंट। नेक्स्ट देखो आगे, एकीकरण के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, भारत के वायसराय आज समय प्रबंधन न्याय सर ना, न्याय ना समय प्रबंधन दोनों न्याय ना, तो एक तो है ना, एक बहुत बात समझ आ रही। अब देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या है, जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि लगातार जो है एकीकरण में राज प्रमुख का पद चल रहा, किसका पद चल रहा था, अब इस राज प्रमुख के पद को 1956 में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्या कर दिया, और जैसे ही इस राज प्रमुख के पद को समाप्त किया तो इसकी जगह नया पद बना दिया राज्यपाल, क्या बना दिया रे,
और राज्यपाल जो पद है, मुझे एक बात बताओ, संविधान में कोई भी अपन चीज को चेंज करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करना पड़ेगा। अब संशोधन किया इसके लिए सातवां, कौन सा किया? और कब किया? 1956। तो लिखो ये लाइन नोट डाल के लिखो, सातवें संविधान संशोधन, सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर, किसका समाप्त कर दिया रे? प्रतिया समाप्त। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कब हुआ? 1956। तो फिर समाप्त कर दिया तो क्या नया बना दिया? देखो, वे राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर नया पद राज्यपाल सृजित किया, राज प्रमुख के स्थान पर नया पद राज्यपाल सृजित किया, मतलब बनाया गया, थोड़ा सा बनाया गया। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का अंतिम राजप्रमुख कौन था, क्या बोलोगे बताओ? देखे क्या बोलोगे? अरे यादव को तो पसीने पूछ रहे, यादव को नींद आ रही, क्या चक्कर तुम्हारा? तुम्हारा चक्कर क्या है मुझे तो बता दो। आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछे कि मुझे बताइए राजस्थान का अंतिम राज्य प्रमुख कौन था, तो क्या बोलोगे? सवाल कौन था? तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं। फिर राजस्थान का पहला राज्यपाल तो पता होना चाहिए ना, देखो नोट डाल के एक बात, देखो राजस्थान का पहला राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह गुरुमुख निहाल सिंह हाँ, सारे सिंह है और सिंह भाई साहब आगे पंजाब, अरविंदर सिंह, उसके अलावा अपने कह सकते हैं ये एक सिंगर होता है ना, कौन सा है, क्या नाम इसका, अनिल सिंह, और एक और है ना गुरु रंधावा, सारे करके पंजाब ना, जितने भी सिंह लगते हैं गुरु गोविंद सिंह, उसका नाम कह सकते हैं भगत सिंह, और जितने भी सिंह हैं वो काफी होते हैं पंजाब। तो ये भाई साहब कहता था पंजाब, तो दिक्कत है क्या? तो मुझे बात दो, पहला राज्यपाल पूछे लो सरदार गुरुमुख निहाल, मैंने आपकी एक बात बताई थी कि देखो तीसरे चरण में मैंने आपको एक बात बताई कि जो मेवाड़ का महाराणा है इसका नाम क्या है? भोपाल सिंह। इस भोपाल सिंह ने क्या मांगा? 20 लाख। क्या मांगा रे? 20 लाख। इस 20 लाख को क्या कहते थे? प्रीवी पर्स। क्या बोलते थे? और मुझे बताओ इसके बाद में चौथे चरण के अंदर जयपुर को 18 लाख, उसके अलावा हम बात करें जोधपुर को 17.5 लाख, और हम कहीं बीकानेर को 17 लाख प्रीवी पर्स दिए। तो मुझे बताओ ये प्रीवी पर्स को समाप्त करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, और नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा देने के लिए है नहीं, बिल्कुल। तो याद रखना 26वां संविधान संशोधन 1971 किया और कहा गया कि अब तक तुमने जो प्रीवी पर्स दे दिए वो तो बहुत है, आज के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा तेज बोलू बोलता हूँ, देखो 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से राजाओं को दिए जा रहे प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए, राजाओं को दिए जा रहे प्रीवी पर्स मतलब पेंशन समाप्त कर दिए, इंपॉर्टेंट प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए, मतलब खत्म।
खत्म कर दी पेंशन, पेंशन अब फिर अब गहलोत जी आते हैं दोबारा पेंशन चालू। अरे बात समझ आ रही है नियारी? देखो तो आपको दो मिनट में याद करने हैं, एक सातवा एक छब्बीसवा, बात समझ आ रही है? अब देखो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री होते हैं हीरा लाल शास्त्री, कौन आते हैं? बताने की चौथी चरण में हीरा लाल शास्त्री को फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद में वही चले जाते, बताइए बताइए वाली बात आपको। चौथे चरण 30 मार्च 1949 को हीरा लाल शास्त्री बढ़े, बड़े मुझे बताओ बड़े, उसके बाद में क्या हो गए? फिक्स हो गए। इसके मतलब पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरा लाल शास्त्री। अब 1952 में क्या होता है? चुनाव। क्या होता है रे? चुनाव। और जैसे 1952 में आम चुनाव होते हैं स्पीकर राम पालीवाल जी जीत जाते, कौन जीतते हैं? तो पहले आपसे मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरा लाल शास्त्री, कौन है? हीरा लाल शास्त्री। यदि आपसे पूछे पहले इलेक्टेड सीएम मतलब निर्वाचित मुख्यमंत्री तो क्या बोलोगे? स्पीकर राम। यदि आपसे पूछे सब निर्वाचित और मनोनीत दोनों बताओ तो फिर जय नारायण व्यास, कौन सा व्यास? जय नारायण मतलब मारो मत नारायण, अरे कौन सा नारायण? जय नारायण मनोनीत कौन है और दूसरे मनोनीत को क्या बोलते हैं? पहले निर्वाचित कौन है और मनोनीत निर्वाचित, तो तीनों लिख लो पॉलिटिकल बढ़ाएंगे आपको सब बताएंगे, छोटा कौन है बड़ा कौन है बीच का कौन है लंबा कौन है सब बताएंगे, अभी इतना लिख लो सिर्फ। देखो देखो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री है, कौन सा शास्त्री है रे? हीरा लाल शास्त्री। नेक्स्ट लिखो राजस्थान के पहले निर्वाचित मतलब इलेक्टेड निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है, टीकाराम के वोट में टीकाराम को भी, अरे टीकाराम चुली भी है ना, लेकिन चुली भाई साहब तो अभी के अभी पहले के थे ना, राजस्थान के पहले क्या है? निर्वाचित। अब निर्वाचित मनोनीत क्या होता है, कोई जिसको समझ में नहीं आई ये बात, निर्वाचित मनोनीत क्या है याद कर लो एक बार, सवाल नहीं है विज्ञान की क्लास है, ध्यान दिया जाता है। हाँ बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई किसान निर्वाचित मनोनीत क्या मामला है इधर? देखो बहुत बढ़िया, देखो एक शब्द आता है मनोनीत, क्या कह रहे मनोनीत, और एक आता है निर्वाचित, क्या कह रहे निर्वाचित है ना। देखो मनोनीत का मतलब होता है जिसके लिए चुनाव नहीं हो, क्या नहीं होता? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी अपना सरपंच के लिए चुनाव होता है, नहीं होता? अब मान लो सरपंच किसी कारण से साथ सरपंच ने घबला कर लिया, गबन कर लिया, या सरपंच भाई साहब की मौत हो गई, अरे होती नहीं होती? तो जैसे सरपंच गबन करते हैं जेल में जाते हैं, तो मुझे बताओ उस पंचायत के सरपंच के रूप में कोई कार्य करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब अक्सर क्या करते हैं जैसे सरपंच जेल में जाता है तो उप सरपंच को सरपंच का पदभार दे दिया ना, तो मुझे बताओ क्या वो उप सरपंच जो है सरपंच के पद के लिए चुनकर आया था? नहीं। वो तो किसके लिए चुनकर आया था? उप सरपंच के लिए। तो इसका मतलब जिस पद के लिए चुनाव नहीं होता केवल कहने मात्र से उसको पद दिया जाता है तो वो क्या होता है? मनोनीत। अरे क्या होता है? मनोनीत। मनोनीत का मतलब है मन से तुम्हें बना दिया, चुनाव नहीं। निर्वाचित का मतलब होता है जिसके लिए चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव। एक तो दल के लिए चोट पर जीत कर आता है, आता है नहीं आता? अरे बताओ आता है कि नहीं आता? जैसे गोविंद सिंह डोटोसरा जी है, जीतते भी जीतते हर चीज में। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है कि जो निर्वाचित है इसका मतलब होता है जो चुनाव जीत कर आता है, और मनोनीत का मतलब जो केवल सीधे बिना चुनाव जीते। समझ में? तो मुझे बताओ हीरा लाल शास्त्री कैसे है? मनोनीत। और निर्वाचित कौन है? अब एक व्यक्ति मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, तो लिखो उस तरह। देखो जय नारायण व्यास राजस्थान के निर्वाचित है, मनोनीत
निर्वाचित है मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री है, दोनों मुख्यमंत्री आई आ गई। चुनाव से क्वेश्चन पूछो, राजस्थान का सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है? कितने वर्षों तक रहा? 17 वर्षों तक। कितने तक आ रहे? 54 से लेकर कितना तक? 1954 से लेकर। और सबसे कम दिन का मुख्यमंत्री पूछे तो है हीरालाल देवपुरा। कौन सा है? 16 दिन। कितने दिन? 16। ये सब बातें पॉलिटिकल में करेंगे ना, एकीकरण में चार भंडार पत्र बता दिया मैंने, वैसे परीक्षा में आ जाएगा क्वेश्चन कर देना। क्या लिखा तू? लिखा दिया गोकुल भाई भटका का आंसर नहीं लिखा? लिखा तो दिया, और क्या चाहिए बता? गोकुल भाई भट्ट की सहायता से नहीं, गोकुल भाई भट्ट को लोग चाहते हैं, सहायता नहीं है उसकी, उसको लोग चाहते हैं, इस कारण उसको मारना। तो ये कभी एग्जाम पूछेगा नहीं किसकी किसको मांगने से मिला है, तो ध्यान रखना जो क्षेत्र मिला है ये तो केवल आपको बताया जाता है, बाकी एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछेगा। साहब गोकुल भाई भट्ट लोगों को ज्यादा प्यार किस कारण मिला है, ये तो एक तरीका था मिलाने का, लेकिन मिलाया किसको तो कोई इंपोर्टेंट है, बड़े इंपोर्टेंट क्या है? सब आबू जेलवाड़ा को पहले छोड़ दिया, शेष लोई को मिला दिया। उस शेष लोई में हाथर गांव था, रातर गांव क्या है? गोकुल भाई भट्ट का। और सातवें चरण में इस आबू और जो जेलवाड़ा इसको मिला दिया गया, और पहले से हाथर गांव ऑलरेडी था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आबू वाला देलवाड़ा का भाग छोड़ा वो सातवें में समाहित हो गया, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कितना पढ़ लेना, पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे देखो, हाँ योग्य मामला पूरा। अरे वाह दीवा, जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? शेर ए राजस्थान है ना। तुम्हें क्या बोलते हैं? शेर ए गीदड़। क्या बोलते हैं? शेर ए। अब आपके एकीकरण को याद करवाऊं मैं 5 मिनट के अंदर, कर लो खुद याद। अरे खुद याद कर लोगे क्या? करवा दू, आप कॉपी पेन बंद कर लो। एकीकरण 10 मिनट में खत्म। चालू देखो जरा, हाँ क्या बता रहे हैं? खरीद संबंध पर शताब्दी पाल और ब्राह्मण दशम वीर के और से क्यों नहीं है? मुझे एक बात बता, पाली समाज जो है जब सब्जी क्यों बेचता है? ब्राह्मण क्यों नहीं बेच सब्जी? बता देंगे लोग एक बार। फूल वाली सब्जी क्यों बेचता है? मुझे पता, बाल पर जो बाल काटते हैं वही बाल पर काटते हैं, ब्राह्मण ही फेरे पे पड़वाते हैं। क्यों? क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों ने ये पद्धति विकसित की थी खुद ने। क्या की थी? विकसित। और जो काम खुद विकसित करते हैं उसी में नाम लिया जाता है। जैसे आपको पता है कि प्रताप, जैसे मान लो आपने एक बात सुनी होगी ठेवा कला, कौन सी कला है? काके ठेवा कला प्रसिद्ध प्रतापगढ़ की, काफी फेमस है। और इसमें एक सोनी परिवार है, कौन सा परिवार है? सोनी, जो सोने के छोटे छोटे कह सकते हैं तार के माध्यम से कांच पर जो है कसीने का काम करते हैं, तो इस कारण ये सोनी परिवार का ही नाम लिया जाता है। थेवा का नाम है, और का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इसने इसको विकसित किया है, और जो आदमी इस चीज को विकसित करता है उसी का नाम चलता है। तो खड़ीन के बारे में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी, इसी के नाम पर उसका नाम चला। अब बात समझ में आई? नहीं आगे, हाँ आगे को दिक्कत नहीं है, दोनों को दिक्कत है ना। और ये थेवा कला के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा समझदार हैं कि अपनी बेटियों को इस नहीं सिखाते, क्या पता दामाद को बता दे हमारा बेटी बुझ जाए। मतलब थेवा कला में जो प्रतापगढ़ के सोनी परिवार है, ये सोनी परिवार अपनी बेटियों को नहीं सिखाता, बेटियों से भी दुबारी काम करता है, क्या पता बेटियां सीख जाए दामाद को बता दे और हमारा मामला गुल हो जाए। तो यार ये इसका मतलब अपनी जो कलाकारी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब टॉपिक खत्म हो जाता है पहला, हम आप पेपर याद करो तो 5 मिनट चुपचाप बैठ जाओ शांति से। देखो सबसे पहले मेरे साथ आप बोलोगे है ना, लेकिन एक आवाज में ऐसा नहीं है इधर वाले भाई साहब कुछ और इधर वाले भाई साहब कुछ और, वरना कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं खुद बोल लेता हूँ, टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं। देखो टॉपिक का नाम क्या है? एकीकरण। क्या नाम है? एकीकरण। अरे मुझे बताओ एकीकरण है किसका? एकीकरण है किसका? गण है एकीकरण में चरण कितने होते हैं? कैसे याद करोगे? राजस्थान को एक होने के लिए 7 फेरे लेने पड़ेंगे। पड़े अच्छा, जब 7 फेरे लेंगे तो कुछ समय भी लगेगा, तो समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अगर लिया नहीं लिया,
अब मुझे बताओ कि राजस्थान में 7 चरण है तो 7 नाम होंगे कि नहीं होंगे? तो मुझे बताओ एमपी से बस कहाँ जाएगी? एमपी से बस क्या? एमपी से बस कहाँ जाती है? एमपी से बस राजस्थान आ गई। ए मतलब मत्स्य संघ, पी मतलब पूर्व, से मतलब संयुक्त, पे मतलब बैठ, से मतलब संयुक्त बैठ राजस्थान, राजस्थान मतलब बता चाहने में दिक्कत है। अब देख रहे आप कैसे करोगे, एक मोबाइल नंबर याद कर लो, 18 25 18 30 15 26 1 18 25 18 30 15 26। ये क्या है? मोबाइल नंबर। इसका मोबाइल नंबर है भगवान जाने, इसका भगवान 18 25 18 30 15 26। अब तुम्हें याद करने में दिक्कत आती है किसको? महीनों को। अरे किसको दिक्कत आती है? महीनों को। तो देखो मामा और एक है अम्मा, मंजन कर लो, क्या कर लो? मंजन। मामा मौत क्या कर लो? दांत कैसे हो रहे? नीले। कैसे हो रहे? नीले। इसका मतलब पांच। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब जनवरी और नवंबर, पांच पांच अप्रैल, उसके बाद मई जनवरी नवंबर। बताओ कोई दिक्कत है? अब तुम याद करोगे संघ, क्या याद करोगे? संघ। पहले 48 लिख रहे, क्या लिख रहे? फिर क्या लिख रहे? अच्छा फिर क्या लिख रहे? लास्ट में इसको बना करेंगे 3 से, इसको बना करेंगे 2 से, इसको 1 से। दोस्तों 3 बार 48, 2 बार 49, 50 एक बार 56। कोई दिक्कत है आपको? डेट महीना और समय को दिक्कत है? नहीं। कैसे याद करोगे? 18 25 18 30 15 26 और उसके बाद में महीने की बात करें, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है सर, राष्ट्रमुख कैसे याद करे? राष्ट्रमुख कैसे याद करे? तो जो बस है इसी बस में से राष्ट्रमुख निकाल लेंगे। जब अपने बस लेकर गए थे इसी से क्या बन जाएंगे? राष्ट्रमुख। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या याद करने? राज्य प्रमुख। अरे क्या याद करने? राज्य प्रमुख। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अपन बस का ले गए थे एमपी, बस लेकर गए गए। अब साहब एक सैनियों की लड़की थी जिसका नाम था भूमा, क्या नाम था? भूमा। अब ये भूमा जी है उसको बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं मिली। क्या मिली गई जगह इसको बैठने के लिए? बिल्कुल नहीं मिली। पता लो भूमा जी अपने साथ कहा जाती है एमपी, अब जब आती है तो उसको कह सकते हैं बैठने के लिए जगह नहीं मिली। तो अब जो भूमे वो कैसे रहेगी? खड़ी। अरे कैसे रहेगी? खड़ी। और खड़ी को देश में क्या बोलते हैं? ऊबी। क्या बोलते हैं? ऊबी। तो मुझे बताओ भूमि जो वो जो भूमा है वो ऊबी है कि नहीं है? है। तो हम कहेंगे साहब ऊबी भूमा। अरे कौन सी भूमा? ऊबी भूमा। तो उधर भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और भान सिंह, कोई दिक्कत है? क्या करोगे? ऊबी भूमा। अरे कौन सी भूमा? ऊबी। ऊबी भूमा क्यों? क्योंकि भूमा नाम की लड़की है और जो अपने साथ गई थी बस में कैसी थी? ऊबी। अरे कैसी थी? ऊबी। वो मतलब उदय राम सिंह, बी मतलब है भीम सिंह, वो मतलब है भूपाल सिंह, माँ मतलब है। कोई दिक्कत है? राष्ट्र प्रमुख खत्म। अब याद करते हैं उपराष्ट्र प्रमुख, क्या याद करते रहे? मुझे एक बात बताओ, वर्तमान समय में लोगों को बर्बाद करने के दो कारण है कि नहीं है? पहली तो जीबी मतलब डाटा, अरे डाटा बर्बाद करता नहीं करता? 1 GB डाटा 2 GB डाटा 3 GB डाटा ये लोगों को बर्बाद करता है नहीं करता? करता है। और दूसरी बीबी, दूसरी बीबी सबसे बड़ा कारण तो ये है धरती पर लोगों को बर्बाद करने का, उसके बाद बचता है तो ये। तो ध्यान रखना पहले क्या बर्बाद करता है? डाटा मतलब नेट, और उसके बाद में बीबी। पहले क्या करती है? जीबी, और बाद में बीबी। जी मतलब गणेश पाल, और कहाँ के गणेश पाल? करौली के। बी मतलब भीम सिंह, और भीम सिंह भाई साहब कहाँ के? ध्यान रखना बी मतलब बहादुर सिंह, बी मतलब क्या? बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह कहाँ के? बूंदी के। उसके मतलब फिर बी का मतलब भीम सिंह, और बी का मतलब भीम सिंह। तो पहले जी का मतलब गणेश पाल जो आगे करौली के, दूसरे बी का मतलब बहादुर सिंह जो बहादुर सिंह आगे बूंदी के, और बी मतलब भीम सिंह, और बी मतलब कोई दिक्कत है? राष्ट्रमुख खत्म, उपराष्ट्रमुख खत्म। अब आ जाओ उसका प्रधानमंत्री, क्या जाओ? प्रधान मंत्री। कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री? देखो साहब अपने साथ एमपी में एक लड़की गई जिसका नाम क्या है? माही। क्या नाम है रे? माही। क्या नाम है? माही। अब माही जाती है तो एमपी से राजस्थान में सफर लंबा है छोटा है? लंबा है। तो मुझे बताओ उसको नींद आती नहीं आती? आती। तो भाई साहब वो सो गई। क्या हो गया? सो गई। तो माही क्या होगी? सो गई। माही क्या आ गया? नींद।
तो सोगी कौन है? माही। सो मतलब सोबराम है, कुमावत। गो मतलब गोपलाल है, असावा। भट्ट नहीं है, असावा। क्या है? असावा। माँ मतलब माणिक लाल है, और ही मतलब हीरालाल है। कोई दिक्कत है? माही क्या गई? सो। और भूमा क्या गई? उबी। अरे कोई दिक्कत है क्या? मतलब मैं कहना चाहूँ तो राज प्रमुख में भूमा क्या हो गई? उबी। और जी भी और बी भी। और दूसरी बात है, सोगी कौन है? माही। क्या माही हो क्या आ गई? नहीं। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं उद्घाटन करता, मतलब किस किस ने उद्घाटन किया, तो सिंपल याद कर लो, गौड़गिन चाचा पटेल, गौड़गिन चाचा पटेल, पहला गौड़गिन, दूसरा गौड़गिन, तीसरा चाचा, चाचा मतलब जवाहरलाल है, पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई, तो क्या बोलोगे, गौड़गिन चाचा पटेल, क्या बोला? कोई दिक्कत है? अब बताओ कोई उपराज प्रमुख में, राज प्रमुख में, उसके अलावा उद्घाटन करता में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पहले चरण में मुझे बताओ रियासत कितनी थी? चार। ठिकाने कौन सा था? एक का नाम है। दूसरे चरण में रियासत कितनी है? बापू चारो की को साटो। और दूसरी बात, दूसरे चरण में मुझे बताओ ठिकाने कौन सा था? एक मतलब है कुशलगढ़। तीसरे चरण कैसे याद करोगे? अरे मुझे बताओ, तीन ऐसे बनता है और तीन में उदयपुर भी ऐसे आता है, तो इसका मतलब दोनों मिल गए, मिल गए, तो तीन में उदयपुर, तीन में क्या हो जाएगा? चार में चार रियासत, तो चार का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अरे बात समझ में आई? नहीं। दूसरी बात है, पांचवें चरण में कुछ नहीं किया, मत्स्य संघ, छठे में आबू देलवाड़ा को छोड़ दो, सिक्स रोहित को मिला दो, और सातवें चरण में कुछ भी नहीं किया, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा, और सुनील टप्पा गाता था एमपी का, उसको कुछ मिला दिया राजस्थान में, और बदले में राजस्थान का शिलोंग क्षेत्र एमपी को दिया। कोई दिक्कत है क्या? और अब भी दिक्कत हो तो कोई टेंशन नहीं हो सकता। अब जो लाइन और लिख लो इसमें, तुम्हारी कमेंट जगह हो तो याद आ गया मुझे, दो लाइन और लिख लो, दो लाइन और लिख लो, दो लाइन और देखो, एक पहले क्वेश्चन लिखो, देखो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ऐसे शासक थे, जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले सिग्नेचर किए या हस्ताक्षर किए, सबसे पहले हस्ताक्षर, ये बात ध्यान रखना, बीकानेर का शासक का नाम क्या था? शार्दुल, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन रियासत बाद में, इंपॉर्टेंट बात है, हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? शार्दुल। काका था ये मामला, क्या किया था इसने? हस्ताक्षर किए थे विलय। अब मुझे बताओ किस भाई साहब ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जा? चंद्रवीर, क्या कहे चंद्रवीर सिंह? मुझे बताओ सेकंड चरण में कनिष्ठ राज प्रमुख या कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह कहाँ के हैं? डोंगरपुर। अरे है कि नहीं है? मुझे तो फाड़ने से कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़े घर पे जो पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो फाड़ने से याद नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। अब ये तो भाई साहब पहले आदमी था जिसने क्या किया था? सिग्नेचर। तो आपसे पूछ सकते हैं बाद में किसने किया, और ये भी तो पूछ सकते हैं, मना थोड़ी करेगा किसने, लिखो लाइन में, लिखो विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम शासक, देखो धौलपुर के शासक उदय भान सिंह अरे ठीक नहीं थे। अब यदि किसी को दिक्कत है तो लिख लेना, ये भूमि भूमि और ये जीवी भी, ये माई भाई सब लिख लेना, है ना, इसका पूरा नाम लिखो, लिखा चलो मैं लिखवाता हूँ, चारों लिखो, ठीक लिखो, कॉपी में ठीक लिखो, जुगाड़ होगा, क्या लिखोगे? जुगाड़ होगा, तो बुगा का नाम आता है,
चूड़ा ले जाने के लिए ना, भैंस ले जाने के लिए, देखो जुगाड़, हाँ बारात में जाने के लिए, कल मैं जा रहा था, देखो तुम्हें देखा एक बारात जा रही है, जिस बारात में मैंने कहा देखो लोग बड़े बड़े, ऊपर से खुला और दिन में 2 बजे की बात है, बढ़िया धूप लग रही, बढ़िया महिला की क्रीम पाउडर जो है वो कह सकते हैं गूगल पे से झलक रही थी पानी की, तो कह सकते हैं गूगल जो है वो एक से अधिक अनेक चीजों के लिए उपयोग होता है, तो देखो जुगाड़ हिल गया। अब देखो मेरे पास जुगाड़ में, देखो सबसे पहले राज प्रमुख, देखो राज प्रमुख, राज प्रमुख, राज निकली, अब राज प्रमुख में 4 लाइन लिखो, ओबी भूमा, ओबी भूमा, इस पहले भूमा पागे मत ले आना, पहले ध्यान रखना भूमि नाम की लड़की है जो क्या है ओबी है, ऐसे क्या करो मारे नहीं ओबी भूमा, क्या नाम है ओबी भूमा, निकली बात है। हाँ अब ओबी भूमा में ओ मतलब लिखो उदय भान सिंह, वो मतलब लिखो उदय भान सिंह, और नकल में एकल क्या आवश्यकता होती है, अपने दिमाग से नकल करें किसी रीति पे ना, लिखो वो मतलब उदय भान सिंह, और उदय भान सिंह कहाँ गया भाई साहब, लिख लो ब्रैकेट में धौलपुर, वो मतलब उदय भान सिंह, और उदय भान सिंह है कहाँ का, तो लिख लो धौलपुर, लिख लीजिए। अब आ जाओ भी, भी मतलब भीम सिंह, भी मतलब भीम सिंह, कौन सा सिंह, अरे भीम सिंह कहाँ का है, कोटा का, देख लो भीम सिंह, भीम सिंह कहाँ गया रे, तो पहले चरण में कौन था उदय भान सिंह, सेकंड चरण में कौन है भीम सिंह, अब आ जाओ ये क्रम से ध्यान रखना। अब आ जाओ नंबर 3, देखो भू मतलब भोपाल सिंह, भू मतलब भोपाल, और भोपाल सिंह भाई साहब आगे मेवाड़, मतलब मेवाड़, भोपाल सिंह भाई साहब आ गया रे, और मां मतलब मान सिंह, मान सिंह अपने पास का ही है, देखो जयपुर। अब बताओ आवास में हो गया, होंगे कि नहीं होंगे, नींद में भी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, सिंपल याद रख रहे, कौन थी भूमा, कौन थी रहे जो कैसी थी, क्योंकि बस में सीट नहीं थी और सीट नहीं तो ऊबी होगी, मां थोड़ी बैठाई अपने किसी को नहीं बैठा, तो ऊबी भूमा, राज प्रमुख खत्म, राज प्रमुख देखो रे मानुभूति, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज देखो जीबी और बीबी, जीबी और बीबी, बड़े खुश हो रहे हो बिना देवी आए ना, जैसे मानो लड्डू मिल गया, अरे जितने भी लड्डू खाओगे ना उतने ज्यादा लोगे तुम्हें, तब लड्डे बढ़ेंगे 6 बजे कमाने जा, जीबी और बीबी, जी मतलब लिखो गणेश पाल, जी मतलब लिखो गणेश पाल, अरे सरायमान सिंह बड़े हो गए भी, देखो जी मतलब है गणेश पाल, और कहा गए गणेश पाल, लिख लो ब्रैकेट में करौली, लिखो ब्रैकेट में करौली, लिख लिया। अब आ जाओ नंबर 2 पे, बी, बी मतलब बहादुर सिंह, बी मतलब बहादुर सिंह, और बहादुर कहा के हाथ में होते हैं, बूंदी के, लिख लो ब्रैकेट में बूंदी, हाँ बात तो सही है, बहादुर शासक के होते, और वैसे तो बहादुर कहीं भी नहीं होते आजकल, हाँ तो बी मतलब क्या रहे बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह कहा है, अब आ जाओ नंबर 3, फिर अगला बी मतलब भीम सिंह, अगला बी मतलब भीम सिंह, और भीम सिंह कहा गया कोटा का, और सेम जो है 2 कॉपी रहनी है आगे, बी मतलब भीम सिंह कोटा, अरे टेंशन नहीं लेनी है, इस जी का मतलब तो गणेश पाल करौली, इसका मतलब बहादुर सिंह बूंदी, और फिर इसका मतलब भीम सिंह, और इसका मतलब भी, और ये दोनों काके हैं, और एक आपको दिक्कत है, लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, चले आगे। अब आ जाओ साहब प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर,
हाँ माई सोगी ना, माई सोगी नहीं, सोगी माही बटा तो माई उठ जाएगा मगर पहले नाम लिखोगे। अरे मुझे एक बार बताओ, नाम होता है बोले तो कोई काम करता है, करता है नहीं करता, तो इधर घूमाई तो वो भी होगी या पहले वो भी हो जाएगा बड़ा पे घूमा, ऐसा नहीं बोलोगे। अगर ये कोई महिला होगी या कोई लेडीज होगी या कोई लड़की होगी भाई तो वो भी और बैठी होगी, तो पहले नाम याद करोगे उसके बाद लगाओगे उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे कर्मधारय समास होता है ना, उसे विशेषता होती है, नहीं होती है। अरे जैसे काला सांप है तो सांप की विशेषता क्या है, काला होता है, तो विशेषता आगे लगते नहीं, विशेषण विशेष पता होगा तुम्हें हिंदी में। हाँ लिखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में लिखो सोगी माही, सोगी माही। और इस सोगी में ध्यान रखना, इसमें लिख लो सो का मतलब शोभाराम कुमावत, इसमें लिख लो शोभाराम कुमावत, क्लियर। देखो सेकंड गोकुल लाल असावा, देखो गोकुल लाल असावा। नंबर तीन लिखो माणिक्य लाल वर्मा, और नंबर चार हीरा लाल शास्त्री, नंबर चार हीरा लाल शास्त्री। कंफ्यूज नहीं हो रहे, दोबारा बोल देता हूँ, शोभाराम कुमावत पहले चरण का प्रधानमंत्री है, सेकंड गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरा लाल। अरे अब कोई दिक्कत है, अब भी दिक्कत है तो पढ़ना बंद कर देना मेरे कहने से, और घर में बढ़िया आराम से पहुंच गया पाठ बुझा, हो गया इतना। अब उद्घाटन करता और लिख लो, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता कौन से करता रहे, उद्घाटन लाइन सिंपल सी, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, ऐसे लिख लो। हर बात को बोर्ड पे लिखनी पड़ती है, तुम ज्यादा मानव हो। गॉडगिल फिर सेम आगे दो लगा देना, दो का मतलब डबल बार रिपीट हो गया, और चाचा, और चाचा कैसे है पटेल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा, पहली बार भी गॉडगिल है, दूसरी बार भी गॉडगिल है, तीसरी बार चाचा का मतलब पंडित जवाहरलाल, अरे चाचा एक नहीं है पटेल सरदार वल्लभ भाई। अब हो गया मामला सही, राजधानी में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहे, पहली राजधानी अलवर है, दूसरी राजधानी कोटा है, तीसरी उदयपुर है, और चौथी जयपुर, और उसके बाद फिक्स। अरे कोई दिक्कत है क्या, अब एक कारण होगा परेशानी, एक ही कारण होगा परेशानी है क्या, और किसान आंदोलन को दिक्कत है क्या, प्रजा मंडल को दिक्कत है क्या, नहीं है। तो सवाल पूछो देखिए है, और सवाल पूछते दिक्कत हो जाएगी। चलो मुझे बताओ, हिस्ट्री के बाद कल्चर पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, दो तीन दिन में भी क्या पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, हैं कितने कितने कल्चर के समर्थन में आपके लिखा एक बार पॉलिटिकल, वेरी गुड, तू कहेगा जो पढ़ा देंगे तो दिखा दिया मार्क्स का, अरे छोड़ो, हां कल्चर कितने पढ़ेंगे आप कहने को देंगे एक बार, और हिस्ट्री कितने पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे पक्का, अब तुम्हें से पहले पॉलिटिकल कौन पढ़ेगा, मैं आपके दो रही बात, राजस्थान की पॉलिटिकल कौन ही पढ़ेगा, चलो कल्चर पढ़ा देंगे, बोलो कल्चर में आती कला संस्कृति मतलब लोक देवी देवता दुर्ग महल स्थापत्य विरासत, हम कह सकते हैं जो भी तुम पढ़ते हैं वेशभूषा आभूषण ये जितने भी आते हैं छुड़े चटके सब इसे उसमें समझते हैं। आ जाओ इधर, अब एक टॉपिक और बचाता है, अठस्तों की, अठस्तों की देखो मैंने यादव नहीं, 1857 की क्रांति मॉडर्न राजस्थान खत्म, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ लिखाएंगे, तो 1857 की क्रांति, कुछ भी एग्जाम हो, चाहे लैब की हो, चाहे रीट हो, चाहे बी एस टी सी हो, चाहे बी एड हो,
और इतना बेहतर तरीके से पढ़ाए, मेरी गारंटी है तुम किसी के नाम सुना लेना उसका आधा लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन बस साथ नहीं है कि माइंड नहीं आ रही, तुम्हारी जो इच्छा हो जिससे तुम्हारा लगता है सब ये आपने बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है उससे पूछ लेना। जो किताब तुम लेके आओगे उससे कहीं ज्यादा कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट का मतलब ये नहीं फालतू चीज दिखा दी, एग्जाम में जो समाइट है वो संख्या आपको मिलेगी। इनको पढ़ने के बाद आपको राजस्थान में जो भी एग्जाम देनी है वो दे देना, कोई टेंशन है। 1857 की अरे क्रांति किसकी 1857। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, एक शब्द आ रहा है 1857 नहीं आ, मुझे बताओ ये तो अपने आप एक सन है, अरे सन है कि नहीं है। कोई भी घटना कभी घटित होती है उसका कोई ना कोई समय होता है, होते ही होता पर समय होते हैं, तो किस क्रांति का समय कौन सा है 1800, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक शब्द आता है क्रांति, क्या आता है क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पर्यावरण नहीं पूछता हूँ, स्मरण नहीं पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अर्थ क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है। देखो अरे विद्रोह नहीं होता है महाराज, विद्रोह उसका सिनोनिम है, पर्यायवाची है, मैं मतलब पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे सूर्य का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे साहब रवि, तुम बोलोगे साहब दिनकर, अब तो पर्यायवाची बता रहा है मतलब बड़े बता रहा है तू। देखो क्रांति का जो मतलब होता है वो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, क्या होता है रे? मुझे एक बात बताओ, लोग क्रांति क्यों करते हैं, ताकि परिवर्तन आए कुछ, अरे है कि नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ राजगढ़ में पानी की समस्या है, समस्या है पानी की, तो तुम लोग क्या करते हो क्रांति, अरे क्रांति मतलब तुम वहां जाके धरने देते लेते, उसके अलावा कुछ वहां ज्ञापन किसी को देते हो लेते देते है ना, क्यों, क्योंकि परिवर्तन आए, परिवर्तन क्या है कि पहले से कुछ सुधार हो सके, क्या हो सके सुधार, तो क्रांति का मतलब क्या होता है परिवर्तन, क्या होते हैं रे। अब देखो इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति क्यों हुई, पहले दिन पता होना चाहिए 1857 क्रांति क्यों हुई, डायरेक्ट ये बनाते हैं सीधे साहब नसीराबाद नीमच ब्यावर खेरवाड़ा, ये तो बात की बात है, पहले ये तो बता क्रांति क्यों हुई, क्रांति क्यों। अब देखो 1857 की जो क्रांति है उसके कारण क्या है, सबसे पहली देखो आपने एक बात सुनी होगी कि यहाँ पर सन 1757 एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है 23 जून को, और जिस युद्ध का नाम है प्लासी, प्लासी का युद्ध, इसका युद्ध होता है रे, और ये प्लासी का जो युद्ध है, ये प्लासी के युद्ध में एक और तो बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, क्या होते हैं सिराजुद्दौला, और एक होते हैं उस समय अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव, क्या नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो ध्यान रखना इस जो प्लासी का युद्ध होता है, इस प्लासी का युद्ध होता था 1757। अब इस युद्ध में अंग्रेजों ने अति कर दी, प्रति क्या कर दी, जो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम है सिराजुद्दौला, इस सिराजुद्दौला भाई साहब को इस युद्ध में हरा दिया। अब जैसे युद्ध में हरा दिया तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि भारत पर अब राज करना बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा प्रांत था उसमें बंगाल, कौन सा था अब बंगाल को जीत लिया तो बाकी का कौन से खेती बोली। तो साहब मुझे एक बार बताओ, इस 1757 से लेके 1857 में क्या होती है, कितने साल हो गए, 100, कितने साल हो गए रे 100, इन 100 सालों में जैसे ही युद्ध होता है कौन सा प्लासी का, इस प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों का इतना ज्यादा अत्याचार किया, भारतीयों पर इतना ज्यादा अत्याचार किया, इतना उनका शोषण किया, इतने उनके साथ दुर्व्यवहार किए, ताकि लोग तिलमिला उठे, लोग परेशान हो गए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर वाले 10 रुपए नहीं देंगे, 20 दिन नहीं देंगे, 30 दिन नहीं देंगे, तो तुम क्रांति करोगे नहीं करोगे, या तो पैसे दे वरना फिर बाप का छोड़, या तो पैसे दे वरना बाप का फिर। तो इस 100 वर्षों में इतना ज्यादा अंग्रेजों ने भारतीयों को परेशान कर दिया, इसकी वजह से तो इन 100 वर्षों में इतना ज्यादा परेशान कर दिया अंग्रेजों ने, जिसकी वजह से भारतीयों को सिर्फ एक कारण चाहिए था कि हमें तो कोई कारण मिल जाए फिर हम देख लेंगे अंग्रेजों को, लेकिन पहले कोई कारण तो ध्यान रखना कारण क्या मिला। अब देखो अंग्रेज कैसे अपनी किस्मत को खराब करवाते हैं, साहब जैसे 1857 आता है तो 1857 में इस समय जो अपने भारत है, इस भारत के एक वाइसराय है जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम है लॉर्ड कैनिंग। अब ये लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के सबसे बड़े अधिकारी थे, मतलब वाइसराय, अब मतलब का मतलब होता है वाइसराय ना, और वाइसराय मतलब होता है आज का राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब 1857 क्रांति के समय भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कैसे याद करोगे कैनिंग से क्रांति, अरे कैनिंग से क्या होगी, मतलब क्रांति समय कौन था, देखो
इस ट्रेनिंग भाई साहब ने क्या किया, पहले के जमाने में मतलब इस 1857 से पहले एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था रे? ब्राउन बेस। जैसे बंदूक का नाम है, जैसे आज समझे ना 47 LMG बलाने ठिकाने कवचा विश्व है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है किस 1857 से पहले बंदूक शब्द इसका नाम क्या है? ब्राउन बेस। इस ट्रेनिंग भाई साहब ने कहा कि ये बंदूक बहुत क्या हो गई, पूरा क्या हो गए रे, अब नई बंदूक लाए जाए। क्या लाए जाए? अब नई बंदूक लाए जाए तो साहब भाई साहब की बात तो माननी पड़ी। जैसे मैं रफाल खरीदा पंज नया अभी, तो जैसे नई बंदूक लाए तो उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था रे? एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल भाई साहब के लिए नहीं, नई बंदूक हमारे सैनिकों के लिए, कि तुम ब्राउन बेंच जो है इसको बंद कर दो, ये पुराने जमाने की है, तुम कौन से लगाओ? एनफील्ड। अब साहब एनफील्ड राइफल मंगवा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मामला क्या है, जैसे आप किसी बंदूक में कारतूस डालते हो, कारतूस मतलब होते गोली, गोली मतलब होते हैं छर्रा, समझते हो ना? तो जैसे ही किसी बंदूक में गोली डालते हैं तो उसके ऊपर एक कवर होता है, और आज तो पीतल का आता है, आज तो किसका आता है? पीतल का। इसका तुम देखते रहोगे कि तुम्हारी बॉडी में इतनी छर्रे भर देंगे पीतल के कि गिनते गिनते करोड़पति हो जाओ। सुने ये बात आपने? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आजकल तो पीतल के आते हैं, और उस जमाने में किसके आते थे? चर्बी के। किसके आते थे? चर्बी। मतलब ये जो कारतूस होते हैं, इन कारतूस को ऊपर जो लेयर होती है उस लेयर में दो पशु, जिसमें एक तो है गाय, क्या है रे? गाय, और एक है सुअर। क्या है? सुअर। इन दोनों की चर्बी काट कर उस कारतूस के ऊपर लगाई जाती है, जिससे कि जैसे बंदूक चले तो वो फ्रिक्शन कम से कम हो, क्योंकि आपको पता है चिकनी सतह पर फ्रिक्शन या घर्षण जो है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल शून्य होता ही नहीं होता। इस कारण बर्फ पर चलना आसान होता है अकॉर्डिंग टू समतल चर्बी। अरे साइंस में पढ़ा होगा चिकनी सतह पर घर्षण जीरो होता है। एग्जाम्पल समझ लो आप, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बर्फ पर जब भी आप चलते हैं तो आप चल नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपकी सतह पर जो टिकाव होता है, मजबूती होती है, वो क्या हो जाती है? तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम फ्रिक्शन हो और बंदूक ज्यादा दूर तक जाए गोली उसकी, इस कारण इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती। अब साहब जैसे लोगों के बात का पता लगा कि अब देखो सैनिक या तो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, अंग्रेज होंगे, तीन सैनिक होंगे नहीं होंगे। अब जैसे लोगों को पता लगा, हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को, कि ये जो हम बंदूक चलाते हैं सुबह शाम, इसमें जो कारतूस मुंह से निकालना पड़ता है उसमें एक और तो गाय की चर्बी लगी, एक और सुअर की चर्बी लगी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हिंदू धर्म का व्यक्ति गाय के मांस को मुंह में लेना पसंद करेगा? नहीं करे। तो जैसे ही पता लगा तो हिंदू भाइयों ने मना कर दिया। मुसलमान सुअर को अपवित्र मानते हैं, मुसलमान कहते हैं कि दुनिया में हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन सुअर का मांस कभी नहीं खा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि ये वो खाता है जिसको हम कभी नहीं खा सकते। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरे कहने का मतलब है कि मोमदन ने मना कर दिया, हिंदू ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये तो पवित्र मानते हैं और ये इसको अपवित्र, और अंग्रेजों को दिक्कत नहीं, कुछ कुछ भी डरो ना बड़ा टेंशन। तो जैसे ही पता लगा साहब नई बंदूक पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो साहब विद्रोह हो गया। क्या हो गया? विद्रोह। अब यही तो कारण था इसका मात्र। मैंने क्या बोला, 1857 से 1857 तक लोग कोई कारण चाहिए था, परेशान तो खड़े हो गए थे, तो कारण क्या मिल गया कि साहब तुम जो बंदूक दे रहे हो इससे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो हम तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो ये बंदूक नहीं चला। अब साहब बंदूक नहीं चलाएंगे तो पहले किसी में झुकना भी होना चाहिए, हमें जो है सामना करने का किसी में झुकना भी तो होना चाहिए ना। तो भाई साहब एक व्यक्ति है, इसका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है रे? मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे उस समय था कॉन्स्टेबल, मतलब सिपाही। क्या था रे? सिपाही। अब सिपाही होगा तो कहीं कहीं कोई स्टेट का सिपाही होगा नहीं होगा? एक छावनी थी बैरकपुर। क्या नाम है रे? एक बैरकपुर छावनी है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल में एक रेजिमेंट है 34वीं। कौन सी है? 34वीं। इस 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे भाई साहब ने कहा कि मैं तो पांडे मत होता ब्राह्मण, तो इसने कहा साहब मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम मरो या मरो मुझे तो मेरे धर्म को भ्रष्ट नहीं करे, मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो इस मंगल पांडे ने एक डेट है 29 मार्च। कौन सी मार्च? 1800। इस भाई साहब ने कहा, अपनी बंदूक निकाली और निकालने के बाद कहा कि देखो अंग्रेजो, आज सुनो कान खोलकर, मैं तो गाय और सुअर दोनों की चर्बी को ना तो हाथ लगाऊंगा ना मुझसे हाथ लगाऊंगा, मुझे तुम्हारी नौकरी भोगनी। और इस भाई साहब ने क्या किया कि तुमने मेरा धर्म जो है अनजाने में भ्रष्ट किया है, तो इसने क्या किया, दो अंग्रेज अधिकारी, एक का नाम तो है, देखो मैं लिखता हूँ, दो अंग्रेज अधिकारी है जिनमें एक का नाम तो है कर्नल एबॉट और एक का नाम है कर्नल हुसैन। देखो मैं लिखता हूँ, एक तो था कर्नल बाग, क्या नाम था? कर्नल बाग। और एक था लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, और इसका नाम था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन।
इन दोनों बादशाहों के सीने में गोली निकाल दी। किसने? मंगल पांडे ने। और कहा जो कर रहे हैं अपन मंगल पांडे अपन आपसे गाय और मर्चेंट मिला लगा किसमें हो गए। अब मुझे एक बार बताओ कितने बड़े बड़े अधिकारी रैंक के तो खत्म कर दिए तो मंगल पांडे कौन सी गेंदी बोली है उसको पकड़ेंगे। तो जैसे ही 29 मार्च को इसने प्रोग्राम किया तो भाई साहब को 8 अप्रैल मार्च की बात याद है अप्रैल और 8 अप्रैल को पकड़कर फांसी पे लटका मंगल पांडे भाई साहब ऊपर फांसी पर। अब मुझे एक बार बताओ जिस व्यक्ति ने साहस किया उसे फांसी पर लटका दिया अब जो है वो लोग बाग इस पर विरोध नहीं करेंगे। ठीक है हो रहा है जो भी तो वो टेंशन है। फिर उसके बाद में मामला आगे चलता है। अब ये तो व्यक्तिगत विद्रोह था याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई एक व्यक्ति ने विद्रोह किया तो कैसे हो गया व्यक्तिगत व्यक्तिगत भाग नहीं हुआ लेकिन सामूहिक जो विद्रोह है मतलब सारी जनता जो विद्रोह करती है उसे बोलते हैं सामूहिक। क्या बोलते हैं? सामूहिक। अब साहब एक डेट आती है उस डेट का नाम है 10 मई। क्या आती है? 10 मई। मार्च के बाद अप्रैल अप्रैल में फांसी लटका दी मामला ठंडा पड़ गया और उसके बाद में क्या आती है अप्रैल के बाद मई। और जैसे 10 मई आती है तो साहब एक सैनिक छावनी मेरठ के अंदर जिसमें एक तो है 20 NIC और एक 3 NC ये दो पैदल टुकड़ी के नाम है और ये दोनों भाई साहब के जो जितने भी सैनिक है ये आराम से मेरठ छावनी को लूट लेते हैं और लूटने के बाद जो है जैसे बैंड बजाते बजाते दिल्ली पहुंचाते हैं। कहां पहुंचाते हैं? दिल्ली। और मुझे बताओ 10 तारीख को इतने क्रांति करी तो एक दिन बाद क्या पहुंचाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली का पहुंचते 11 मई को क्योंकि मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 55 किलोमीटर है जो चाहे तो आप एक दिन में तय कर सकता है। तो बाकी बात कल करेंगे कोई टेंशन नहीं रह सकता आज के इतने ही।